बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये एक छोटा सा मेरे पास, छोटा तो नहीं है, 12 मिनट का है, लेकिन वीडियो बनी हुई थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये जिस दिन मैं ससुराल गई थी उसके अगले दिन ना मैंने जाना था बाजी के ससुराल, उनकी सास और ससुर फोत हुए हुए थे, तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों को गाँव की सैर करवाती हूँ। कोटली है ना बाजी का घर, तो खुरटा हमने जाना था बाजी के गांव, तो उसकी मैं साथ साथ आपको शहर करवाऊंगी आज। तो सुनाए मेरे बहन भाई बच्चे आंटीज मेरी बेटियां सब कैसी हैं? यकीनन खैरियत से होंगी, अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी तकलीफ से दूर रखे, और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। तो हम तकरीबन सुबह, आई थिंक सुबह तो नहीं कह सकते, 12 बजे निकले थे घर से और 45 मिनट का इनका रास्ता था, और मैं बाजी और बाजी का बेटा मेरा भांजा हम लोग जा रहे थे गांव, और मैं आज आपको करवाऊंगी गांव की सैर। कितना खूबसूरत इनका गांव है खुरेटा, बहुत खूबसूरत है। जो कोटली में रहते हैं अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो तो पहचान गए होंगे इस एरिए को भी, और खुरेटा जिस शहर का मैं गाँव का नाम ले रही हूँ, ये कोटली शहर में रहते हैं बाजी वगैरह, लेकिन ये वीकेंड पे अपने गांव जाते हैं। बहुत खूबसूरत इनका गांव है। और अभी हम बाज़ार से गुजर रहे थे, और ये जो है ना हम, मैंने बहुत कम क्लिप बनाए थे, रास्ते पूरे की नहीं बना सकी, तो ये बाजी के गांव के करीब हम पहुंच आए थे। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, और यहाँ पर आई थिंक कोई फोत हो गया था उस वक्त, जनाजे का भी शायद टाइम था ना, जोहर के वक्त हो चुका था। और ये सामने आपको जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, आगे आपको क्लियर नज़र आएंगे, ये करजाई किला है। जो कोटली में रहते हैं उनको तो पता है करजाई किले का, और यहाँ पे हम लोग 2-3 दफ़ा जा चुके हैं। देखने में तो बहुत नज़दीक लगता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। काफ़ी ऊँचाई पर है ये करजाई किला जो, और ये आपको पता है कोटली आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा मस्जिद है, बहुत ज़्यादा मस्जिद है, हर नुक्कड़ पे एक मस्जिद आपको नज़र आएगी। बहुत खूबसूरत इलाका है। जब बाजी की शादी हुई थी तब ये रोड बिल्कुल नहीं थी, पत्थर थे और कच्ची थी ये रोड, और बाजी की शादी के बाद जो है ना ये रोड बनी थी। और मेरे भैनोई भी कह रहे थे कि जब आपकी बाजी का कदम यहाँ पड़ा उसके बाद ये रोड बनी है, पहले यहाँ पर कोई रोड नहीं होती थी और ना ही यहाँ साइडों पर दुकानें थी, बिल्कुल वीरान था ये जगह। और पहला रास्ता उनका बहुत दूर से जाके, मींस के पानी के अंदर से, नाले के अंदर से गुजर के जाना होता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी एजुकेटेड और बड़ी अच्छी फैमिली है ये जो बाजी के ससुराल वाले हैं ना, माशाल्लाह बाजी के जो जेठ हैं ये डिप्टी सेक्रेटरी रिटायर्ड हैं, बाजी के हस्बैंड चीफ इंजीनियर रिटायर्ड हैं, और ये कहते थे कि जब हम स्कूल पढ़ते थे ना तो मीन्स हम लोग 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाते थे, इतना दूर इनका स्कूल था। अब तो घर के अंदर गाड़ी जाती है ना माशाल्लाह, इतना इम्प्रूवमेंट इनका इनके गांव में हो चुका है। और आप देखें यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, इतनी ज़्यादा सायदार दरख्त हैं, और बिल्कुल मुझे ये वाला माहौल यूरोप का लग रहा था। मीन्स के जब डेनमार्क हम गए थे तो ये ऐसा ही इलाका था एक, जिसमें से हम गुजर के गए थे, और बिल्कुल ग्रीनरी जो है ना वो आंखों को, वैसे भी जो है ना आंखें की ठंडक होती है ग्रीनरी की वजह से। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम हो तो कहते हैं जी ग्रीन घास की तरफ आप देखें, ग्रीनरी की तरफ देखें, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है आपकी आंखों पे। तो ये हम उनके गांव के बिल्कुल जो है ना उनके घर के बाजी के गाँव घर के बिल्कुल नज़दीक हम पहुँच चुके थे, और यहाँ पर मकई भी लगी हुई थी, दरख्त भी काफ़ी ज़्यादा थे। वो सामने जो है ना करजाई किला है, वो जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, ये करजाई किले का है, काफ़ी पुराना ये किला है। अब तो उस तरह नहीं है रिपेयरिंग इसकी की गई, लेकिन इसका नाम अभी तक जो है ना वो है करजाई किला, इसको कहते हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है, और मैं तकरीबन 5 साल के बाद इधर जा रही हूँ। असल में मेरी बाजी के ससुर और साथ लास्ट ईयर फोत हुए थे, तो वहाँ अफसोस के लिए हमने गांव जाना था। और ये देखें जी देसी खाना आपको दिखाना था, ये है, इतनी घनी लस्सी थी, मुझे ऐसे लगा ये दूध है लेकिन ये लस्सी थी। और ये तकरीबन 5-6 साल के बाद ये लस्सी मैंने पी ना। तो इधर मेरे बाजी के जेठ थे, देवर थे, और 3 इनके मुलाजम थे,
और इनके घर में कोई भी लेडीज़ नहीं थी, क्योंकि बेजी फोत हो चुकी हैं और बाकी जो हैं इनकी बुएँ वो सारी शहर में अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, वहाँ होती हैं। गांव में मेरे बाजी के जेठ होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद अब गांव में रहते हैं। जेठानी जो हैं वो इस्लामाबाद में होती हैं, आती जाती रहती हैं। बाजी भी कोटली में होती हैं और बाजी की देवरानी भी कोटली में होती हैं, लेकिन उनके मियाँ लोग जो है ना सारे के सारे गाँव में होते हैं। और ये मैं आपको इनका गांव का जो है ना माहौल दिखा रही थी, बड़ा खूबसूरत, साफ सुथरा और सिंपल इनका घर है, और बड़ा, काफ़ी बड़ा घर है माशाल्लाह, 8-10 रूम्स हैं इनके। तो ये नीचे वाली जगह पे ना इन्होंने खाना रखा, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाके बैठते हैं बड़ी ठंडी जगह है इनका नीचे वाला एरिया। और इन्होंने मकई की रोटी थी, देसी मकई की रोटी, और ये आपको छन्ना नज़र आ रहा है, इसमें लस्सी थी, और ये जो है ना सब्ज़ मिर्चों की और पुदीने की चटनी थी जो इनके अपने घर की सब्जियां सारी थी। करेला कीमा बना था, करेले भी इनके घर के थे, और कद्दू बनाया था, क्योंकि मैंने कहा था दाल बनाएं वो हम खाएंगे, लस्सी ज़रूरी है या साग बनाएं, तो उन्होंने पूछा था, तो मैंने कहा मैंने मकई की रोटी, लस्सी और साग खाना है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मक्खन डाल दिया मेरी प्लेट में, ये आपको नज़र आ रहा है, ये साथ साथ तो मेरे भनोई जो है ना वो डाल डाल के मुझे दे रहे थे खाना। काफ़ी अरसे के बाद ये वाला खाना खाया। और बाजी के जेठ सामने बैठे थे, तो वो मुझे कहते हैं बेटे रोटी को आपने रोटी की तरह नहीं खाना, इसको चूरी की तरह खाना है, मीन्स के इसको गूंद के खाना है। तो गूंदना हमारे बस का काम नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे गूंद की दी, कहते हैं इस तरीके से खाते हैं, और मिट्टी के बर्तन में खाना खाया जाता है इनके गाँव में अभी तक। कांच के बर्तन भी हैं, मार्बल के भी हैं, स्टील के भी हैं, और लेकिन मिट्टी के बर्तनों में ये लोग खाना खाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और ये ग्रीन चटनी तो इतनी स्पाइसी थी, लेकिन उस वक्त सारे बैठे हुए थे ना, तो मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन साथ साथ हम लोग खा रहे थे। फिर हम लोग खाना खाने के बाद चले गए इनके घर के पास, जहाँ पे बाजी के सास और ससुर दफन है ना, कब्रिस्तान में, बिल्कुल पास ही है कब्रिस्तान। और ये इन्होंने बड़ी खूबसूरत छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है, वो सामने कब्रिस्तान है, और इनकी साइड पे मस्जिद है, जहाँ पे बाजी के ससुर जो थे ना वो 3 दिन में एक कुरान पाक ख़त्म किया करते थे, और यहीं पे ही बैठ के इबादत करते थे। माशाल्लाह 100 से ऊपर उनकी एज थी, और उनको मैंने ग्लासेस पहने हुए, मींस के नज़र की ऐनक पहने हुए नहीं देखा कभी भी, 100 से ऊपर उनकी एज थी। और ये हम वहाँ से कब्रिस्तान से वापस आए, वहाँ पे हम लोगों ने जोहर की नमाज़ पढ़ी, मैंने, बहनोई ने, और बाजी की बेटे ने। फिर काफ़ी देर हम वहाँ बैठे रहे, बातें करते रहे मस्जिद में, वहाँ से निकले फिर घर की तरफ आ गए। और ये मेरे बहनोई बता रहे थे कि यहाँ पे ना बनाना के दरख्त लगे हुए हैं, ये राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो ये बता रहे थे कि इसके ऊपर बनाना लगे हैं लेकिन अभी कच्चे हैं। तो अपने घर की सब्जियां और अपने घर के जो है ना, अभी भी कुछ गांव में ऐसे हैं देसी जो है ना वो खाना होता है, जैसे मकई की रोटी है, चटनी है, लस्सी है, दूध घर का, मक्खन घर का, और उसके अलावा देसी घी घर का, माशाल्लाह माशाल्लाह, सब्जियां घर की, फ्रूट घर के, तो ऐसे भी गाँव भी हैं। तो फिर हम 3-4 घंटे में और बाजी आके सो गए, क्योंकि लस्सी इतनी पी हुई थी तो सबको नींद आ गई, हम लोग सो गए। फिर शाम 4 बजे के करीब बाजी के देवर ने चाय बनवाई, 4:30 का टाइम था, असर का टाइम हो चुका था, हम उठ के नमाज शमाज पढ़ी, उसके बाद हम लोग यहाँ बैठ के सारे बातें कर रहे थे, मैं छोटे छोटे से क्लिप ले रही थी, और आपको पता सामने कोई भी नहीं आता, इसलिए किसी का मैंने मुंह नहीं लिया। और यहाँ पे बाजी के देवर और बाजी के हस्बैंड बैठ के गप्पे लगा रहे थे, बाजी ने असर की नमाज़ पढ़ी, मैंने ये वीडियो बनाई, आई थिंक टिकटॉक पे भी मैंने ये वीडियो जो है ना, सॉरी, ये क्लिप अपलोड किया हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारी यादें हमारी वाबस्ता हैं, मीन्स के बाजी की शादी को 30 ईयर हो गए हैं, तो हम लोग छोटे छोटे थे जब बाजी के गांव में हम जाते थे, और इन्होंने भैंसे रखी हुई हैं 4-5, और बकरियां रखी हुई हैं माशाल्लाह, इतने हालांकि पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने गांव की इनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी है, मींस इन्हें कोई शर्म नहीं है कि भैंसे रखी हुई हैं, जानवर रखे हुए हैं। अक्सर लोग होता है ना कि पढ़ लिख जाते हैं तो कहते हैं नहीं, दूध हम खरीद लेंगे, नहीं भैंसे रखेंगे,
लेकिन इन लोगों में कोई नखरा नहीं है माशाल्लाह, और बहुत अच्छे लोग हैं ये मेरे बाजी के ससुराल वाले। और ये मैं ऊपर से ना घर दिखा रही थी, अब तकरीबन रात 8:30 हो चुके थे, हमने वापस कोटली जाना था, मैंने, बाजी ने, भनोई ने और भांजे ने। तो ये रात का सीन था जो बहुत खूबसूरत है। इसके भी कुछ क्लिप्स मैंने टिकटॉक पे और अपने आई थिंक शॉर्ट में भी लगाए थे। काफ़ी बड़ा इनका सहन था, काफ़ी बड़ा, चारों तरफ ग्रिल लगी हुई थी। मुझे ये वाला इनका ये वाला एरिया बहुत अच्छा लगता है। जब बाजी की शादी हुई थी तब ये वाला एरिया नहीं था। वहाँ से निकले तो इनके बैक साइड पे इनकी मेरे भनोई की चचा जो है उनकी सेकंड वाइफ रहती हैं, उनको मिलना था बेजी को। वो छोटी हैं, उनको बेजी कहते हैं, उनको हम मिले। और ये था बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, ये मगरिब का टाइम था, लेकिन जो मैंने आगे आपको दिखाया ना सहन की वीडियो और घर की, वो रात का टाइम था। थोड़ा सा क्लिप आगे पीछे हो गया और ये मगरिब हो चुकी थी और बड़ा खूबसूरत सा ये सीन था। तो मैंने कहा ये भी मैं आपसे शेयर करूं। और पंजाबी में कहते हैं ना बैर के दरख्त, बैरी के दरख्त, ये वो दरख्त है यहाँ पे। अब तो सारा नक्शा ही बदल गया ना। तब ये वाला जो बैक साइड पे घर था इनका, कच्चा घर था। और महनोई बताते थे कि जितनी बारिश बाहर होती थी इतनी बारिश घर के अंदर होती थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह आप देखें इनकी फैमिली में आपको डॉक्टर, इंजीनियर, माशाल्लाह आर्मी में इनका एक बाजी का देवर ब्रिगेडियर है, माशाल्लाह। पढ़ी लिखी फैमिली, सिंपल फैमिली और अच्छी फैमिली, माशाल्लाह। और ये था रात का सीन। बिल्कुल दोबारा मैं बाजी के जेठ को अल्लाह हाफिज़ बोलने जा रही थी। नीचे वाले घर में दो घर हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो उनको अल्लाह हाफिज़ कहने के लिए मैं नीचे गई। तो यहाँ पे ये वाला, ये भी मैंने कैप्चर किया हुआ है ना, अपने टिकटॉक पे वीडियो लगाई भी है। मगर पुरसुकून था। आप देखें कोई लेडीज़ ना होने के बावजूद इनका घर कितना साफ़ सुथरा है, क्योंकि मेरे बाजी के जेठ जो हैं वो अपनी निगरानी में सारा काम करवाते हैं। मेरे बाजी के हस्बैंड भी एक एक हफ्ता गांव में रह के आते हैं और बड़े खुश रहते हैं। उसके बाद हम घर की तरफ निकले और मिलाद था ना, आपको पता है 13 रबीउल अव्वल था। साथ साथ लोगों ने बड़ी लाइटिंग की हुई थी, बड़ा खूबसूरत। मेरे ससुराल से भी आते हुए मैंने आपको दिखाया था ऐसी ही लाइटिंग हर तरफ, मीरपुर में भी ऐसी, कोटली में भी, गांव में भी। सब लोगों ने मस्जिदों को सजाया हुआ था, घरों को सजाया हुआ था, जो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। ये थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये पूरे मेरा पूरा दिन जो है मैंने गाँव में गुजारा वो आपको कैसा लगा। और ख़ास तौर पर देसी जो है देसी खाना, उसका तो अपना ही मज़ा है। और बस अब घर की तरफ आ रहे थे और बाजी और बहनोई और मैं और भांजा, और बहुत खूबसूरत वीडियो थी। तो अब मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। मुझे दें इजाज़त मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।